अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थर्ड लेक्चर में प्लेट टेम्पलेट्स के बारे में जानेंगे। प्लेट टेम्पलेट्स क्या हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हमने काफ़ी तक ब्लेड यूज़ भी कर लिया है। ब्लेड बेसिकली टेम्पलेट इंजन है, जैसे हम लोग व्यूज लिखते थे 4PHP में, HTML लिखते थे, और उस HTML के अंदर हम लोग PHP का कोड भी लिख देते थे। इन द सिमिलर वे, जब हम डेटा जो है कंट्रोलर से पास करते हैं व्यू को, तो वो डेटा जो है वो बाइंड करना होता है HTML के साथ, ताकि वो एक यूजफुल आउटपुट बन के यूजर को डिस्प्ले हो सके। तो उसके लिए लारावेल के अंदर ब्लेडिंग टेम्पलेट इंजन जो है वो डेवलप किया गया। तो ब्लेडिंग टेम्पलेट इंजन बेसिकली, इसके अंदर हम लोग रॉ PHP भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक सर्वर साइड है और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर से डेटा जो मैनिपुलेट होके आना है, उसको हमने पॉपुलेट करवाना है अपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन के लिए वो ब्लेडिंग टेम्पलेट मौजूद है। इसके अंदर हम रॉ PHP भी लिख सकते हैं, और जो व्यूज हैं, पहले तो हमारी सिंपल HTML फाइल्स होती थी। तो HTML फाइल जो होती है, क्योंकि वो कंपाइल नहीं होती, वो ब्राउजर उसका कंपाइलर है, वो वहाँ जाके कंपाइल होती है। लेकिन जो हमारे जो ब्लेडिंग टेम्पलेट के अंदर अब जो हम व्यूज बनाते हैं, इनकी एक्सटेंशन होती है व्यू नेम .blade.php। तो बेसिकली ये इसको कंपाइल होने के लिए फिर हमारे सर्वर की ज़रूरत होती है, तो ये कंपाइल होके ही रिस्पांस जाता है। अब इस रिस्पांस को तेज़ करने के लिए लारावेल ने क्या किया कि जब एक व्यू क्रिएट होता है तो ये उसको कैशे कर लेता है। जब दोबारा यूज व्यू कॉल होता है, अनलेस एंटिल उसके अंदर कोई चेंज हो, वो कैशे से उसको रिस्पॉन्स देता रहता है। तो बाद दफ़ा जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, आपको ये इशू भी फेस हो सकता है कि आपने एक व्यू क्रिएट किया और वो व्यू जो है आप उसको चेंज भी करें, लेकिन वो व्यू अपना पुराना ही रिजल्ट दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका वेलकम का व्यू है, इसके अंदर आपने कुछ चेंज किया और आप जो हैं अपने लारावेल की ऐप में जाते हैं, अभी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो समटाइम ऐसे होता है कि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। तो उसकी यही वजह होती है कि इसने जो व्यूज़ हैं वो कैशे किए होते हैं। कैशे किए बात ही होते हैं, उसको आप दो तरीकों से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये इशू फेस होता है, इसके अंदर कैशिंग होती है। सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ। मेरी जो डायरेक्टरी है cd wamp64 cd, चेंज डायरेक्टरी cd माय फर्स्ट वेरिएबल। तो इसके अंदर हम कमांड लाइन यूज़ करते हुए अपनी कैशे क्लियर कर सकते हैं। कैशे क्लियर, ये क्या करेगा, ये हमारे व्यूज की कैशे जो है वो क्लियर कर देगा। और ये सेव कहाँ पे होती है कैशे, आप मैन्युअली भी जाके इसको डिलीट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा इशू फेस होता है। तो उसका तरीका ये है कि आपने अपनी सी में जाना है, वैम्प में जाना है, और आपने अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है, जो आपका प्रोजेक्ट है। हमारा फर्स्ट ऐप लारावेल है, इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा स्टोरेज में, फ्रेमवर्क में ये व्यूज़ है। ठीक है, ये व्यू कैशे बना रहा है इनकी व्यूज़ की। तो अगर आप डेवलपमेंट के दौरान ऐसा हो कि आपको व्यू चेंज करें लेकिन उसकी चेंज आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रही फ्रंट एंड पे, तो आप उसकी कैशे क्लियर कर लें या मैनुअली कैशे डिलीट कर लें। दूसरी कैशे यहाँ पर भी मौजूद होती है फ्रेमवर्क में, ये भी कैशिंग के बन रहे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये व्यू की कैशिंग जो है वो व्यू के फोल्डर में सेव होती है। हमारी कमांड जो है वो चल गई है सक्सेसफुली, इसने कह दिया कि कैशे क्रिएट सक्सेसफुली। तो जो ब्लेडिंग टेम्पलेट है, ये हमारे जो व्यूज़ होते हैं उनको कैशे कर लेता है, लारावेल कैशे कर लेता है और उसी कैशे को दिखाता रहता है। तो इसलिए फास्ट है, ये यूज़र को रिप्लाई में या एप्लीकेशन में डिले पैदा नहीं करता, क्योंकि कैशेड वैल्यू को ये डिस्प्ले करता है। अनलेस एंटिल ये चेंज हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए, तो ये फिर नया व्यू को भी कैशे कर लेता है। हमें खुद नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक फ्रेमवर्क जो है वो ऑटोमेटिक चेक कर लेता है कि इज इट चेंज और नॉट। तो उस डिसीजन पे ये व्यू डिसाइड करता है कि मैंने कैशे लेना है या नई कैशे क्रिएट करनी है। तो जितने भी हम लोग व्यूज बनाएंगे, वो सारे के सारों की एक्सटेंशन जो होगी .blade.php होगी या .php होगी। तो उसके अंदर जितने भी हमारे व्यूज हैं, वो रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर जो व्यू है उसके अंदर क्रिएट होंगे। उसके अंदर आप सब डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं। तो ये हमारा टेम्पलेटिंग इंजन जो है
इस तरह से काम करता है। इसके अंदर अब डिफरेंट नए फीचर्स भी हैं, जैसे हम लोग कोर पीएचपी में करते थे, अगर हमें डाटा जो है वो प्रिंट करवाना होता था तो हम लोग लिखते थे पीएचपी का कोड और वेरिएबल और इको करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इसने सिंप्लीफाई कर दिया है कि जस्ट यू हैव टू राइट कर्ली ब्रेसेस। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था कि अगर मुझे कोई डाटा डिस्प्ले कराना है तो मुझे जस्ट कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल का नाम देना है, तो इट्स इक्वल टू पी एच पी इको, तो ये उसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट करवा देगा। कर्ली ब्रेसेस, जस्ट हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है और हमारा इको वाला फंक्शन जो है वो फुलफिल हो जाएगा। इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर है, जैसे हम शॉर्ट इफ एल्स लिखते हैं तो इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर भी इसमें मौजूद है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट फीचर्स हैं इसके ब्लेडिंग टेम्पलेट में जो हम यूज करेंगे, इसने शॉर्ट कर दिया हमारे सिंटेक्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल पास होता है एट द रेट ऑफ वेरिएबल। इस एग्जाम्पल में अगर मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास अगर आता है कि मे बी कार का जो मेक है वो सेट ना हुआ हो या मॉडल किसी ने डिफाइन ना किया हो, तो अगर मुझे चेक करना है कि ये मॉडल जो है ये डिफाइंड है या नहीं है, तो उसके लिए भी मैं ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको शॉर्ट इफ एल्स में लिखता तो मैं इसको पहले चेक करता कि क्या ये इस सेट है, इस सेट है, या अगर तो ये सेट है तो अगर मतलब ये नल नहीं है, इसकी वैल्यू सेट हुई हुई है तो इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दो, जो भी इसकी वैल्यू है मॉडल अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कराओ, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हम जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, हम लोग लिखेंगे डॉलर वेरिएबल और डिफॉल्ट वैल्यू। इफ डॉलर वेरिएबल इज नॉट नल, सेट है तो ठीक है, इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा, अगर वो नल है या उसकी वैल्यू सेट नहीं है तो वो प्रिंट करेगा डिफॉल्ट वैल्यू। और अगर हम प्लेन पीएचपी में जाएं तो हमें इस तरह से लिखना पड़ता था, इस सेट अगर डॉलर सेट हुआ हुआ है वेरिएबल, इसके अंदर वैल्यू मौजूद है तो इसकी वैल्यू प्रिंट कराओ, अगर मौजूद नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करो। टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए शॉर्ट इफ एल्स, और शॉर्ट हो गया, जस्ट हम उसको कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल का नाम देंगे और डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं, तो इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग इफ एल्स लेट की यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग पूरा सिंटेक्स लिखें, पीएचपी डिफाइन करें, जस्ट एट द रेट इफ लिखेंगे और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं अपने व्यूज के अंदर। इसी तरह से हमारे पास ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ इफ लगाएंगे और आगे अपनी कंडीशन देंगे और उसी तरह से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको मैं आगे चल के हम यूज करते हैं, व्यू बनाते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं। सिमिलरली हम लोग अनलेस डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं, ये भी एक इसमें है कि अनलेस इज जस्ट लाइक सिमिलर टू द इस सेट, जब तक इफ इट इज नॉट ट्रू तो ये नहीं चलेगा। अनलेस ऑथेंटिकेटेड नहीं है, जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ही यह चलेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करे, जैसे यूजर है अगर वो लॉग इन नहीं हुआ हुआ, अनलेस ही इज नॉट लॉग इन, तो उसको ये नहीं दिखाना यू आर नॉट साइन इन, फिर अगर वो साइन इन होगा तो ठीक है। अनलेस का ऑपरेटर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं टेक्स्ट डायरेक्टिव। इसके अलावा लूपिंग्स हैं, जैसे पीएचपी में फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है, व्हाइल लूप है, तो वो भी हम यूज करेंगे। अभी हम एक व्यू बनाएंगे, उसके अंदर हम ये लूप भी यूज करते हैं, ये सारी एग्जांपल्स उसके अंदर अभी हम यूज करेंगे। मेन जो है इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है, अब मोस्टली यही होता है कि जब आप वेब क्रिएट कर रहे होते हैं कोई, तो उसका मेन्यू जो सब पेजेस के अंदर रिपीट हो रहा होता है, तो बजाय इसके कि आप हर पेज के अंदर मेन्यू जो है वो अलग से डिक्लेयर करें, अगर उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है तो आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस अपनी वेबसाइट में, वह 10 पेजेस हैं और मैं 10 के 10 पेजेस में मेन्यू डिफाइन कर दूं, ये वाला मेन्यू, तो जब अगर चेंज आ जाता है, मेरे को लिंक चेंज हो जाता है, मुझे 10 पेजेस में जाके अपडेट करना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि मैं एक पार्शल व्यू बना लूं जो मैं सब में इंक्लूड कर दूं, और अगर चेंज आता है तो मैं एक अपने जस्ट एक जगह पे चेंज, बाकी सब मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा, तो यहीं पे एक पार्शल व्यू में चेंज करूंगा और वो हर जगह पे अपडेट हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए ब्लेडिंग इंजन ने क्या किया है, आपको एक डायरेक्टिव दिया है कि आप एट द रेट ऑफ इंक्लूड को डायरेक्टली यूज करते हुए दूसरे व्यू को विद इन एनी व्यू कॉल कर सकते हैं। आप एक पार्शल व्यू बनाएंगे जिसमें आप अपना मेन्यू लिख देंगे, उस
मेन्यू के व्यू को आप किसी दूसरे व्यू में कॉल कर लेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपका कोड एक ही जगह पे पड़ा होगा लेकिन उसका रेफरेंस यूज हो रहा होगा। अगर आपका चेंज आता है तो आप अपना कोड चेंज करेंगे और रेफरेंस ऑटोमेटिकली हर जगह पे अपडेट हो जाएगा। तो एट द रेट ऑफ इंक्लूड का जो डायरेक्टिव है ये काफ़ी यूजफुल है, इसको तो भी हम यूज़ करेंगे। मेन जो है हमारे पास है कि हमने एक मास्टर पेज बना लेना है, मास्टर लेआउट पेज बना लेना है, जो सबका पेरेंट पेज होगा और बाकी सबके सब पेज के चाइल्ड पेज होंगे। जैसे अगर हम अपनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट खोल लें, अभी हम चेक करते हैं, फिर हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर यही होता है कि आप मेन चीज़ें जो आ रही होती हैं, एक हेडर आ रहा होता है, ये देखें इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स, इसका हेडर आ रहा होगा, साइड नेविगेशन आ रही है और एक फुटर आ रहा होगा। हेडर और फुटर हर पेज के अंदर सेम रहते हैं और वही रिपीट होते रहते हैं, और बाकी का जो अंदर वाला कंटेंट है वो हर पेज का डिफरेंट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अब ये हेडर जो है इसने हर पेज में सेम रहना है, दिस हेडर दिस फुटर विल गोना रिमेन द सेम। अभी हम चेंज करते हैं को पेज, हेडर सेम है, हेडर तो चेंज नहीं होगा, तो इसके अंदर वाला कंटेंट जो है वो अपडेट होता जाता है। तो अब हम करेंगे क्या कि हम एक पेरेंट पेज बनाएंगे, तो बजाय इसके कि हम मेन्यू हर पेज में डिफाइन करें जितने भी पेजेस हैं, हम लोग एक पेरेंट पेज बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग ये मेन्यू डिफाइन करेंगे और बाकी जो पेजेस हैं वो उसके चाइल्ड पेजेस होंगे। जो सर्विसेज का पेज है, मल्टीपल पेजेस हैं, सबका मेन्यू तो सेम है, तो ये जो है पेरेंट से इनहेरिट हो रहे हैं। हम इस तरह का एक पेज बनाएंगे जो इन सब का पेरेंट होगा, जो इन सब पेजेस में सिमिलर चीजें हैं, सेम चीजें हैं, वो हम अपने पेरेंट में डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये मेन्यू जो है हर पेज में सेम रह रहा है, मेन्यू हर पेज में सेम है, तो हमारा जो पेरेंट पेज होगा, लेआउट पेज होगा, उसके अंदर हम लोग अपना मेन्यू डिक्लेयर कर देंगे और जो चीजें चेंज हो रही हैं वो इसके चाइल्ड हैं। हर चाइल्ड अलग होगा, हर पेज अलग होगा जो चाइल्ड हो रहा है, और जो सिमिलर चेंजेस है वो पेरेंट में रखेंगे। इस तरह से हमें मैनेज करना आसान होगा। अगर हमें कभी कुछ चेंज आता है मेन्यू में तो हम एक जगह पे चेंज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सब चाइल्ड उसका रेफरेंस यूज करे होंगे, हर जगह पे अपडेट हो जाएगा। तो लेआउट आपने क्रिएट कैसे करना है, लेआउट्स मल्टीपल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के अंदर दो व्यूज हैं, एक पब्लिक व्यू है और एक एडमिन व्यू है, तो एडमिन का लेआउट डिफरेंट होगा और जो आपका पब्लिक वेबसाइट है उसका लेआउट डिफरेंट होगा। वो आप फोल्डर के अंदर दो डिफरेंट नाम से भी बना सकते हैं, तो वो आप कॉल भी कर सकते हैं। आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको नाम देंगे लेआउट्स। लेआउट्स के फोल्डर के अंदर हम लोग एक अपना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए, व्यू क्रिएट करेंगे और उसको नाम देंगे लेआउट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ फोल्डर लेआउट अंडर द रिसोर्सेज व्यूज डायरेक्टरी, हमने कर लिया। अब इसको नाम देना है मास्टर लेआउट, मास्टर डॉट प्ले डॉट पीएचपी। ये कहाँ बनेगा, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, लेआउट के फोल्डर के अंदर। मैंने लेआउट दे दिया, आप इसको मास्टर भी कर सकते हैं, लेआउट के जरिए भी यूज कर सकता हूँ। तो हमने इसको कॉल करना है, तो हम नाम सिंगल रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए, मैं इसको मास्टर ही कर देता हूँ। हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, हम इसको यूज़ करना है, मैं एडमिन भी कर सकता था, इसको पब्लिक मास्टर डॉट ब्लेड भी कर सकता था। तो ये हमारा पेरेंट पेज हो जाएगा। अब इसको, इसके अंदर अब हमने क्या लिखना है कि इसको पता कैसे चलेगा ये पेरेंट है और इसके चाइल्ड ने क्या करना है, वो हम कैसे बनाएंगे, तो वो भी देखते हैं। इसके अंदर कुछ सेक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग, ये हमारे मास्टर का जो है कोड है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने क्या किया है कि यील्ड टाइटल है, मतलब जो भी टाइटल आएगा पेज का वो यहाँ पॉपुलेट हो जाएगा। ये सेक्शन हमारे चाइल्ड को डिफाइन करना होगा। फिर इसमें एक सेक्शन आएगा साइड बार का, साइड बार में हमारा मेन्यू भी हो सकता है, हमारी साइड बार ये मास्टर की साइड बार होगी, और शो के एट्रीब्यूट है, शो के एट्रीब्यूट है कि चाइल्ड भी अपना साइड बार यहाँ पे अपेंड कर सकता है।
उसके बाद हमारे पास एक ईल कंटेंट है, तो हमारे चाइल्ड हैं, जितने भी चाइल्ड पेजेस होंगे उनको ये जो यील्ड वाले सेक्शन है ये इम्प्लीमेंट करने होंगे। तब तो वो अपना कंटेंट सेक्शन डिफाइन करेंगे, अगर उसके अंदर हम कंटेंट सेक्शन डिफाइन नहीं करेंगे तो एरर आएगा। तो ये हमारा मास्टर पेज है, इसके अंदर हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं इसको। मैं इसको क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल से ही करता हूँ, मुझे सारा लिखना पड़ेगा इसकी आसानी के लिए। ये सारा डिलीट करता हूँ, स्टार्ट से बनाते हैं। इट्स वेरी इजी, ये स्टाइल भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये डिफॉल्ट वेलकम का मैंने उठाया है व्यू, और उस व्यू के अंदर हम चेंजेस करेंगे। अच्छा, आपने काम करना है कि आपने इसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लेनी है और जेक्यू इंक्लूड कर लेनी है। तो जो कॉमन प्रैक्टिस है वो हम सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप सीडीएन, बूटस्ट्रैप का सीडीएन उठा लेते हैं। सीडीएन बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, तो इसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, सीएसएस इंक्लूड कर लेते हैं इसकी। ओके, यहाँ पे आएंगे हम लोग, जस्ट लिखेंगे रैंक। इससे फायदा ये होगा कि हमें स्टाइलिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने सीडीएन इंक्लूड कर लिया, अब हम इसकी जीएसपी इंक्लूड कर लेते हैं, इसकी जेएस को भी इंक्लूड कर लेंगे, और साथ हम साथ ही हम लोग जेक्यूरी भी इंक्लूड कर लेते हैं। जेक्यूरी का भी सीडीएन इंक्लूड कर लेते हैं, और सोर्स इसका होगा, इसका सीडीएन देख लेते हैं, जेक्यूरी सीडीएन। अभी हम लोग मास्टर पेज बनाने जा रहे हैं, मास्टर लेआउट पेज। उसके लिए आसानी के लिए हम लोग जो है वो बूटस्ट्रैप इंक्लूड करें, ताकि हमें आसानी से स्टाइलिंग कर सकें हम लोग। तो जब आपने कोडिंग करनी है, हमेशा आपने याद रखना है कि आपने जो अपनी सीएसएस की फाइल्स होंगी वो ऊपर रखनी है, हेडर में डिफाइन कर देनी है, और आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल होती है वो आपने बॉडी के एंड पर डालनी है, क्योंकि जो स्क्रिप्टिंग फाइल होती है ये ब्लॉकेज भी क्रिएट करती है, तो आपकी वेबसाइट स्लो हो सकती है। अच्छा, अब इसके अंदर हम सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी वेबसाइट के अंदर एक सेक्शन होगा जिसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, सेक्शन बना लेते हैं, मैं इंक्लूड यूज कर रहा हूँ, हम इसको कर लेते हैं मेन्यू। मेन्यू का एक व्यू बना लेंगे, तो हमारे जितने भी मेन्यू हैं वो यहाँ पे आएंगे। हम एक ही मेन्यू बनाएंगे सब पेजेस में, इस तरह से उसका रेफरेंस दे देंगे। अगर हम मास्टर में इम्प्लीमेंट करें, ये हमारा मास्टर पेज होगा, तो जितने भी चाइल्ड होंगे उनके अंदर तो व्यू नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि तो वो उसके चाइल्ड है। इस तरह से हम एक सेक्शन बना लेते हैं, यील्ड कंटेंट। और इसी तरह से मैं एक और सेक्शन बनाता हूँ, और इंक्लूड बना लेता हूँ, जो के होगा फुटर। अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले तो मेन्यू बनाना है, उसके बाद हमने फुटर बनाना है, फिर तो उसके चाइल्ड पेजेस क्रिएट करने हैं, तो दो व्यूज क्रिएट करने हैं हमने। हमने कहा है कि एक मेन्यू का, अच्छा यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग व्यूज में, एक कॉपी कर लेते हैं, आसानी होगी, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं। इसको रीनेम मैं कर देता हूँ एज मेन्यू, और इसका वन जो आ रहा है इसको रिमूव कर देते हैं। और इसमें मुझे करना क्या है, मुझे इसको सबको रिमूव करना है, और मुझे नेट पे जाना है। आसानी के लिए मैं सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप मेन्यू, यहाँ से उठा लें, कैनवास
कहीं से भी उठा लें, जस्ट हम लोग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग यहाँ से उठा लेते। ठीक है, ये हमारा बूटस्ट्रैप का मेन्यू है। मैं अपना मेन्यू यहाँ डिफाइन कर दूंगा। ओके, तो ये मेरा मेन्यू हो गया। अच्छा, मैंने मेन्यू डाल दिया। अब हम एक डमी फुटर भी बना लेते हैं। जैसे मैंने मेन्यू बनाया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसका नाम मैं फुटर कर देता हूँ, उसको मैं रीनेम करूँगा। ये वेबसाइट के कॉमन फीचर्स हैं, हेडर, फुटर, मेन्यू, और ये हम इसको रीयूज करेंगे। ये मेरा फुटर हो जाएगा, इसको मैं करता हूँ फुटर। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ इसको छोटा कर लेता हूँ, प्लेन पीएचपी है ये माय फुटर। अच्छा, अब ये हमारा लेआउट पेज बन गया, जो हमारा मास्टर पेज भी होता है, लेआउट पेज भी है, हमारा मास्टर पेज है। बाकी सब इसके चाइल्ड पेज होंगे। वो कैसे होंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा चाइल्ड है या मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ। ये मास्टर हो गया। अब ये मास्टर कह रहा है कि आप क्या करें कि जो भी चाइल्ड हो उसके अंदर ये मेन्यू पॉपुलेट हो जाए, उसके बाद वो चाइल्ड का कॉन्टेंट आए, और उसके बाद ये फुटर का जो है व्यू जो है वो इंक्लूड हो जाए। तो हम वापस चलते हैं। हमने किया क्या है अभी? हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने जस्ट एक लेआउट क्रिएट किया। अब हम इसका चाइल्ड पेज क्रिएट करते हैं। मैं जाता हूँ व्यूज के अंदर ही जाता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, वेलकम के व्यू को ही ले लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, वेलकम के व्यू को रीनेम कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं इसका, सॉरी नाम टेस्ट क्लिक, गलती से हो गया, इसको कंट्रोल जी करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, गलती से प्रेस हो गया था। वेलकम डॉट पेज को मैंने कॉपी किया और इसको रीनेम कर रहा हूँ। रीनेम करके हम इसका नाम रख देते हैं टेस्ट टेस्ट, और ये हमारा टेस्ट वाला एक व्यू बन गया। टेस्ट को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसके अंदर हम अपनी मर्जी से कॉल। ये हमारा चाइल्ड पेज है। अब इस चाइल्ड को कैसे पता चलेगा कि ये पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है? इधर हम इसको मेंशन करेंगे कि आपने, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, पेज को लेंथी कर रहा है, इसको ज़रा क्लीन अप कर लें। अब हमें इस कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि एक चाइल्ड पेज है, मैं सारा रिमूव कर रहा हूँ सिंपलीफाई। अगर हम इसको रहने देंगे तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें हमने हेडर जो है ये हमने मास्टर पेज में डिफाइन कर दी है, तो ये उसका चाइल्ड पेज होगा तो वो मास्टर का ही हेडर यूज़ करेगा। हेडर हमें बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फुटर हमें बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने बता दिया है कि मास्टर पेज में हेडर फुटर आ गया, बाकी जो पेज हैं उनके अंदर जो कंटेंट है जस्ट वो रिप्लेस होगा इसके चाइल्ड पेजेस के थ्रू। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। ये मेरा मास्टर पेज है, वेयर इज माय मास्टर लेआउट, ये मेरा मास्टर पेज है। इसके अंदर ये बता रहा है कि हेडर आ जाएगा, मेन्यू आ जाएगा, पहले हेडर आएगा उसके बाद मेन्यू आएगा, और उसके बाद जो कंटेंट पेज का जो इनके चाइल्ड पेजेस होंगे कंटेंट आएगा, और इसके बाद फुटर आ जाएगा। तो इसको मैं कहता हूँ आप क्या करो, मेरा टेस्ट है तो रिमूव करते हैं, और हम इसको बताएंगे कि एक्सटेंड्स का मतलब है कि ये कौन से पेरेंट को यूज कर रहा है। नाम दे देंगे मास्टर मास्टर, ठीक है, ये सिंपल लेआउट्स
डॉट मास्टर। तो इस पेज, ये पेज क्या करेगा, अब जो ब्लेड इंजन है उसको पता लग गया कि ये जो पेज है ये चाइल्ड पेज है और इसका जो पेरेंट है वो लेआउट मास्टर है। तो जब ये कॉल होगा तो इसको अपने मास्टर का कहना मानना पड़ेगा, इसको अपने पेरेंट के अंदर जो चीजें डिफाइंड है वो इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो ही ये इसको, ये वैलिड स्टेटमेंट होगी, तो ये उसको एक्सटेंड कर सकता है। अगर नहीं करेगा तो एरर आएगा। अब उसके अंदर हमने जो सेक्शन डिफाइन किया हुआ है, हमने सेक्शन डिफाइन किया था कंटेंट का सेक्शन, तो ये कंटेंट का सेक्शन इसको इंप्लीमेंट करना ही करना है। अगर ये नहीं करेगा तो यहाँ पे एरर हो जाएगा। एट द रेट ऑफ सेक्शन, ये सेक्शन क्रिएट होना चाहिए इसमें, चाहे वो ब्लैंक ही हो कंटेंट, और इसको हम करेंगे एंड सेक्शन, एंड सेक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम लिख लेते हैं कुछ भी, आप लिख सकते हैं इसमें जस्ट फॉर टेस्टिंग से, क्योंकि टेस्टिंग राइट माय फर्स्ट चाइल्ड पेज, ये हमारा मास्टर पेज है। अच्छा, अब हम आते हैं, जो व्यूज होते हैं वो डायरेक्टली तो कॉल होते ही नहीं है, तो इसके लिए हमें रो डिफाइन करना पड़ेगा कि जब ब्राउजर में यूजर लिखे टेस्ट तो ये वाला व्यू कॉल हो जाए। उसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा अपने राउट में, हम लोग आएंगे अपने राउट के फोल्डर में, और राउट के फोल्डर के अंदर वेब डॉट पीएचपी में हमारे राउट्स होते हैं। तो हम एक सिंपल सा राउट लिखेंगे कि जब यूजर टाइप करे टेस्ट तो कौन सा व्यू कॉल हो जाए, हमारा कॉल होगा टेस्ट, यानी टेस्ट का व्यू बनाया, टेस्ट का व्यू कॉल हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मैं आपके साथ एप्लीकेशन में जाता हूँ और सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी सिंपली टाइप करेंगे टेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो ये हमारा, हमें चाइल्ड पेज नजर आ गया। अच्छा, इसके अंदर हम आई थिंक बूटस्ट्रैप इंक्लूड नहीं हुई है, मैंने अपनी जेक्यूरी जो है वो बाद में इंक्लूड की, मस्ट इंक्लूड बिफोर बूटस्ट्रैप, मैंने अपनी जेक्यूरी बाद में डाली थी, इसकी वजह से एरर आया। जेक्यूरी बूटस्ट्रैप की जेस से पहले इंक्लूड करनी है। आपने अपने मास्टर में जाना है, मुझे इसलिए पता चल गया कि उसके अंदर डिजाइन इंप्लीमेंट हुआ, सिंपल सा पेज आया, तो बूटस्ट्रैप मैंने इंक्लूड इसलिए की थी कि जरा लेआउट बेहतर हो जाए। तो जो बूटस्ट्रैप की जेएस है उससे पहले हमें जेक्यूरी इंक्लूड करनी है। कुछ भी नहीं आया, ये आ रहा है। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं क्या इशू है। दोबारा वापस आते हैं, एक तो इसमें ये मिसिंग हो रहा था, दूसरा इसमें सीडीएन का भी इशू आ रहा है, इस वजह से वो इसका डिजाइन नहीं आ रहा। सीडीएन चेंज कर देता हूँ, उसके साथ ऐड करना होगा प्रॉपर जेएस भी ऐड करनी होगी, तो सिंपल कर लेते हैं काम को, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। सीडीएन का इशू था, इसकी मैंने बूटस्ट्रैप कॉपी कर ली, अब इसकी जेएस भी कॉपी कर लेते हैं, ये प्रॉपर की जेएस भी इसमें इंक्लूड करनी पड़ती है तो चलाने के लिए। अब हम अपना पेज रिफ्रेश करते हैं, हमें जो रिजल्ट है वो देखते हैं क्या। तो अब ये प्रॉपर एक मेन्यू बन गया, अब देखते हैं मेन्यू स्टाइलिंग में आ गया। तो ये मेन्यू डिफरेंट पेजेस में यूज होना है। अब हुआ क्या है कि मैंने एक मास्टर पेज डिफाइन किया था जिसके अंदर मैंने हेडर डिफाइन कर लिया और फुटर डिफाइन कर लिया, और ये जो कंटेंट है माय चाइल्ड पेज, ये हमने लिखा था अपने चाइल्ड पेज के अंदर। जब हमने टेस्ट कॉल किया तो टेस्ट हमारा चाइल्ड पेज था, और उसके अंदर जो मास्टर कंटेंट थे वो भी हमें नजर आ रहे। तो मास्टर के अंदर जो कंटेंट है वो बार बार डिफाइन ही करने पड़ेंगे, मेन्यू अगर हमें बार बार डिफाइन ही करना पड़ेगा। अगर कोई यूजर आपके पास आके कहता है कि मुझे ये लिंक चेंज कराना है, या मुझे कोई लिंक चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जब भी हेडर होम पे क्लिक हो तो कॉल क्या होना चाहिए, टेस्ट, टेस्ट का लिंक खुल जाना चाहिए। तो ये मेरे, मुझे हर जगह चेंज करना नहीं पड़ेगा, मुझे दिस
एक जगह पर ही अपने मेन्यू में जाके उसका मैं लिंक अपडेट कर दूंगा पूरी पूरी एप्लीकेशन में, कि वो मास्टर के अंदर रेफरेंस है उसका, तो रेफरेंस तो वही रहेगा, वैल्यू हमने चेंज कर दी, मास्टर के अंदर जाके वैल्यू चेंज की तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली उसे रेफर करें तो वो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो अपने होम के ऊपर होवर करता हूँ, तो ये टेस्ट के पेज के ऊपर मुझे ले आता, मेरा ये लिंक चेंज हो गया। इसको हम प्रॉपर जब डिफाइन करेंगे इस तरह से मल्टीपल इसके चाइल्ड बना सकते हैं, एक हम होम बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट का पेज बना सकते हैं, तो डिफरेंट हम इसके चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा मास्टर लेआउट क्रिएट हो गया। इसी तरह से डिफरेंट देखते हैं हमने किया क्या है, लोगों ने मास्टर पेज क्रिएट किया, फिर हमने उसका चाइल्ड पेज क्रिएट कर लिया, और चाइल्ड में जो सेक्शंस होते हैं मास्टर के अंदर वो आपको चाइल्ड में इनहेरिट करने होते हैं। जैसे ये कंटेंट का सेक्शन बनाया था तो उसके चाइल्ड को इनहेरिट करना है, फिर इसी तरह हमने एक उसका चाइल्ड पेज बनाया, चाइल्ड पेज में हमने इनहेरिट कर लिया। तो ये आज हमने देखा कि ग्रेडिंग इंजन क्या है, कैसे यूज होता है, तो इस तरह से उसको यूज करते हुए आप चाइल्ड पेजेस बनाएंगे, अपने सेक्शन बना लेंगे, हेडर बना लेंगे, फुटर अलग बना लेंगे और उनको री यूज करते रहेंगे। और एक और पेज क्रिएट करके बता देता हूँ कि किस तरह से आपने चाइल्ड पेज बनाया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और पेज है, मैं एक बना देता हूँ कॉन्टेक्ट का पेज, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे आके इसको हम रीनेम कर लिया हमने कॉन्टेक्ट अस को, और इसका भी कंटेंट है उसको भी चेंज कर देते हैं। अब ये भी क्योंकि एक चाइल्ड पेज है तो ये एक्सटेंड करेगा मास्टर को, इसके अंदर ये लास्टली स्टेटमेंट डालनी है, अदरवाइज इसको पता नहीं चलेगा कि मेरा पेरेंट कौन है। तो ये कह रहा है कि ये एक्सटेंड करेगा मास्टर को और इसके अंदर इसका कंटेंट आएगा। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट फॉर्म बना देते हैं कॉन्टेक्ट का, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, डमी डाल देते हैं। सिंटेक्स ब्लेड का सिंटेक्स भी यूज करेंगे। अभी मैं कहता हूँ कि फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉन, एनी क्वेरी प्लीज कॉन टेक्स फॉलोइंग ईमेल, जो भी आपने देनी है इन्फो एट द रेट ऑफ हाँ। ये हमारे कॉन्टेक्ट का पेज बन गया है, लेकिन सेम वे में हमें इसका राउट भी डिफाइन करना होगा, जब हमें इसको कॉल करना है तो इसका राउट भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसको हम नाम देते हैं बैक स्लैश कॉन्टेक्ट अस, व्यू हमारा है कॉन्टेक्ट अस, तो जब हम ब्राउजर में जाके यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखेंगे तो ये हमारा पेज कॉल हो गया। अब इसका अगर हमने लिंक लगाना है, हमारे पास दो पेजेस हो गए हैं, तो दोनों पेजेस के ऊपर अलग अलग हमें इसका लिंक नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल हम एक ही पेज पे जाके इसका लिंक लगा देंगे। सिंपल हम जाएंगे अपने मेन्यू में, मेन्यू को अपडेट करेंगे तो सारे के सारे पेजेस में हमारा क्योंकि इंक्लूड हुआ हुआ ये अपडेट हो जाएगा। लिंक का पेज है, इसको मैं कॉन्टेक्ट इसका बना देता हूँ पेज, इस तरह से मास्टर और चाइल्ड लेआउट हम क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट इस बन गया, मैं कॉन्टेक्ट इस पे आया तो फिर भी सही चल रहा है, मैं वापस होम पे जाता हूँ, ये सेकंड पेज है हमारा टेस्ट, लेकिन वहाँ भी कॉन्टेक्ट इसका लिंक ठीक चल रहा है। तो एक जगह से हमने रेफर किया और हर जगह पर वो अपडेट हो जाता है। सिमिलरली आप इसके अंदर इफ एल्स यूज कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल मेरे पास है फॉर लूप है, फॉर लूप परसेंटेज इस तरह से होगा, फॉर मैं कहता हूँ कि डॉलर आई इक्वल टू जीरो, आई
आई इज लेस देन 5, मैं एक डमी लिस्टिंग प्रिंट करवा लेता हूँ, उसमें कहता हूँ कि आप प्रिंट कर दो प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और ये इसके अंदर प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, मेरी कौन सी प्रोडक्ट। इस तरह से हम इसके अंदर लूपिंग भी यूज कर सकते हैं लेडिंग टेम्पलेट के अंदर, जैसे हम पीएचपी का कोड लिखते थे, ये और सिंपलर हो गया टू इंटीग्रेट सर्वर साइड रिस्पॉन्स इन टू द एचटीएमएल। हम वापस आते हैं अपने होम पेज पे, सिंटैक्स एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर, सॉरी वो मैंने साइन आना था, ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने एट द रेट लगा दिया, ये भी डॉलर साइन आना था, इसको भी हम अपडेट करके आप इसको कॉल करते हैं। ये देखें इस तरह से हम इसमें लूपिंग भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ब्लेडिंग टेम्पलेट जो है इसके अंदर हमें डिफरेंट डायरेक्टिव दी गए हैं जिनको यूज करते हुए हम अपना सर्वर साइड डाटा जो है वो एचटीएमएल के अंदर बाइंड कर सकते हैं और यूजर को इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू बाइंड सर्वर साइड रिस्पॉन्स इनटू द एचटीएमएल एंड इट्स फास्टर इवन इट्स सर्वर साइड लैंग्वेज, बट क्योंकि ये कंपाइल होके कैशे हो रहा है, दैट्स व्हाई इट डजंट अफेक्ट द स्पीड एज मच, बट इट्स इजियर टू डेवलप व्यूज इंटीग्रेटेड विद द कंट्रोलर्स। तो ये हमारा था ब्लेडिंग टेम्पलेट। अब हम एक व्यू क्रिएट करेंगे जिस व्यू में हम कंट्रोलर के थ्रू डेटा लाएंगे और उसके ऊपर लूपिंग करते हुए उसका रिपोर्ट को हम शो कराएंगे ब्लेड टेम्पलेट इंजन को यूज करते हुए। तो अब ये होगा कैसे, जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, मॉडल मौजूद है कार का, तो कार के मॉडल को यूज करेंगे। अभी हमारे पास डेटाबेस के अंदर एक ही रिकॉर्ड है, तो हम लोग डेटाबेस के अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे। अब कैसे करते हैं, हम सीडर लिख लेते हैं। सीडर जो होता है ये सीड करेगा हमारी रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए। मैं दो रिकॉर्ड और बना लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ होंडा, मॉडल है हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ सीडी 2016 प्रोड्यूस्ड ऑन 2016 एंड वी हैव अनदर टोयोटा, और इसको मॉडल कर देते हैं 2020 कर देते हैं इसको। यू कैन चेंज एनीथिंग यू वांट, जस्ट डमी डेटा पुट कर रहे हैं हम। तो अब हम इसको माइग्रेशन को चलाते हैं, सॉरी माइग्रेशन को नहीं चलाएंगे, हम सीड को चलाएंगे। तो उसके लिए कमांड होती है पीएचपी आइटेशन डीबी सीड, इसको हम रन करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर देगा। आप माई पीएचपी लोकल होस्ट माई पीएचपी एडमिन में जाते हैं, हमारी डेटाबेस है लारावेल ऐप, कार्ड्स का हमारा टेबल है, कार्ड्स के टेबल में ये देखिए इसने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब हम करेंगे ये कि हमने ये रिकॉर्ड फैच करते हैं, तो डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करने के लिए जो कंट्रोलर है उसके अंदर जाएंगे हम, और हम अपने मॉडल कार को कहेंगे कि डेटाबेस के अंदर से सारी कार्ड्स के रिकॉर्ड फैच करके ले आओ। तो ये कार का मॉडल है जो कि डेटाबेस के अंदर से ऑल कार्स फैच कर लेगा। इन ऑल कार्स को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, उसमें कह देते हैं कार्स लिस्ट। तो कार्स लिस्ट का जो वेरिएबल है उसको साइन कर देते हैं ये रिकॉर्ड, और ये जो वेरिएबल है अभी हम अपने व्यू को पास करते हैं। तो हम कहते हैं कि जब इंडेक्स का व्यू कॉल हो, कंट्रोलर के अंदर एक्शन इंडेक्स कॉल हो, तो उसके अंदर कार्स का इंडेक्स व्यू कॉल हो जाए, और उस व्यू के को डेटा भी दे देते हैं, गाड़ियों का जितनी भी हमारी कार्स की लिस्ट है उसको डेटा भी पास करते हैं ताकि वो पॉपुलेट करवा सके। तो उसको पास करवाने के लिए हम इस तरह अरे में पास कराएंगे कार्स लिस्ट, और
कार्स लिस्ट हमारा वेरिएबल, अब ये क्या करेगा, इस व्यू को कार्स लिस्ट पास कर देगा, कार्स के इंडेक्स व्यू को। तो कार के इंडेक्स व्यू के अंदर हम जाते हैं और अपना जो लॉजिक है वो लिखते हैं। अब ये जो पेज है ये इंडिपेंडेंट पेज है, लेकिन हमने तो चाइल्ड पेज बनाना है, तो हम इसको कहेंगे कि तुम एक्सटेंड करो इसको लेआउट मास्टर, ठीक है, लेआउट्स डॉट मास्टर, एक्सटेंड करो लेआउट डॉट मास्टर को। तो इसको अपना सेक्शन भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ सेक्शन कंटेंट सेक्शन, क्योंकि ये चाइल्ड पेज है तो इसको अपने पेरेंट की जो सेक्शन है वो इंप्लीमेंट करने होंगे, सेक्शन एंड एंड सेक्शन, ठीक है, एंड सेक्शन हो गया। अच्छा अब ये क्या करेगा, ये मास्टर पेज को इंप्लीमेंट करेगा, एक्सटेंड करेगा, और इसका मास्टर होगा लेआउट के अंदर मास्टर, लेआउट्स के अंदर, लेआउट्स के अंदर मास्टर। अब इसके अंदर हमें जो हमने डेटा जो पास किया है कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर को यूज करते हुए कार कंट्रोलर में जो डेटा हमने पास किया है कार्स के व्यू को, वो हमें अवेलेबल होगा इस व्यू के अंदर। कैसे अवेलेबल होगा, वो हमें सेम वेरिएबल को जो हमने नाम रखा है वहाँ उसी वेरिएबल के नाम से अवेलेबल होगा, कार्स लिस्ट के नाम। तो अब इसके अंदर मल्टीपल कार्स आ रही होंगी, हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लूप लगा लेते हैं, डॉलर फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप लगाएंगे, और हम कहते हैं डॉलर कार लिस्ट जो आ रही है एज सिंगल कार, कार लिस्ट को एक सिंगल कार के तौर पे लूपिंग करो इसके ऊपर एट द रेट, और एट द रेट फॉर ईच एंड फॉर ईच लूप। अब यहाँ पे हम सिंटेक्स लिख लेते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए। मैं क्या करता हूँ कि div class इक्वल टू शेयर कॉलम जब फॉर लार्ज स्क्रीन 12, और इसको भी ये जो स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए ताकि इसका लेआउट बेहतर बने। तो हम मास्टर अपने लेआउट में जाते हैं, उसको भी जरा सेट कर लेते हैं, मास्टर लेआउट में जाएंगे और मैं कहता हूँ मेरा जितना भी कंटेंट शो हो रहा है या मेरा मेन्यू भी शो हो रहा है वो कंटेनर के अंदर शो हो ताकि मेरा लेआउट बेहतर लगे। कंटेनर, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, फ्रंट एंड के लिए हम यूज कर सकते हैं, स्टाइलिंग के लिए हम डेवलपर होते हैं, हमें इतनी ज़्यादा फ्रंट एंड नहीं आती, तो हम लोग बूटस्ट्रैप जो है इसने काम आसान कर दिया, इस क्लासेस यूज करें काफी लेआउट रिस्पॉन्सिवनेस सेट कर देती है। तो ये जितना भी मेरा कंटेंट आए वो क्लास कंटेनर के अंदर आए, और जो मेरा इंडेक्स है अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं कि जो मेरी मेरी हर जो कार है वो एक रो में नजर आए। इसके लिए हम करते ही हैं कि अब मैं प्रिंट करवाता हूँ कि वैल्यूज, तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी कार्स एक एक रो में शो हो, तो उसके लिए अब हम ऐसा करते हैं कि मैं अपनी कार की जो हेडिंग 3 कर लेते हैं, इसको हेडिंग 3 में अपना कार का मेक बता देते हैं, सॉरी H3 में हम यहाँ पे डबल कोट्स देते हैं। ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है फॉर लेडिंग इंजन, हमने पहले भी देखा था। अब मैं कहता हूँ कि जो हमारी सिंगल कार आ रही है उसका पहले तो आप उसका मेक प्रिंट करा दो, ठीक है, ये मेक प्रिंट कर देगा, उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि आप मेक, उसके बाद आप मॉडल प्रिंट करा दो, मेक मॉडल मेक एंड उसके बाद मॉडल आ जाएगा हमारा, एंड देन वी हैव प्रोड्यूस्ड ऑन डेट टाइम, फिर इसको कहते हैं प्रोड्यूस्ड ऑन, प्रोड्यूस्ड ऑन के देख लेते हैं हमने क्या बनाया था, सीड में होगा, खुला नहीं हुआ, सीड में इसके कॉलम का नाम देख लेते हैं, और वापस आता हूँ यहाँ पे अपने सीड कॉलम का नाम प्रिंट करते हैं,
करेंगे। अब क्या होगा कि हम लोगों ने कंट्रोलर बना लिया, कंट्रोलर के अंदर हमने डेटाबेस के अंदर से सारी की सारी कार्स फेच कर ली। मैंने अपने मॉडल कार को कहा फेच ऑल कार्स फ्रॉम द डेटाबेस एंड पॉपुलेट इनटू द कार्स लिस्ट वेरिएबल। देन वी हैव पास दैट वेरिएबल टू द व्यू, व्हिच व्यू कार्स के फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स का व्यू है उसको हमने कॉल कर लिया और उसको ये कार्स लिस्ट का ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया। तो कार लिस्ट के अब हम इस व्यू में जाएंगे जो कार्स के अंदर इंडेक्स का व्यू है। इस व्यू के अंदर हमें इसी वेरिएबल के नाम से ये डाटा अवेलेबल होगा। इसके ऊपर हमने लूप लगाया, ब्लेडिंग टेम्पलेट इंजन को यूज करते हुए लूप लगाया और अपना डाटा जो है वो पॉपुलेट कर लिया, स्टाइल भी कर लिया। हम इसको फर्दर भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब यूजर जब अपने ब्राउजर में टाइप करेगा स्लैश कार्स, तो इंडेक्स का कंट्रोलर कॉल होगा स्लैश कार्स, स्लैश कार्स करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये लिस्ट आ गई। इसको हम सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, हमें पता नहीं चल रहा कौन सी कार है। तो जब भी एक कार फिनिश हो, एक कार है एंड पे, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे ताकि हमें पता चलता रहे कार्स डिवाइड होनी, कितनी कार्स आई हैं, जस्ट फॉर द लेआउट सेक ऑफ क्लियरेंस। तो ये हमारी पहली कार आ गई सुजुकी 15, दूसरी सुजुकी 15, तीसरी होंडा सिटी, सिविक, ये सारी कार्स हमारी लिस्ट हो गई। इस तरह से हम फॉर ईच लूप को यूज करते हुए अपने डेटा की लूपिंग कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड शो करवा सकते हैं। इस तरह से हम पेजिनेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट अगर हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो ब्लेडिंग टेम्पलेट इंजन को यूज करते हुए हमें जो अपना डाटा होता है उसको HTML में मैनिपुलेट करवाना आसान हो जाता है। इसी तरह से हम एक फॉर्म बनाएंगे छोटा सा, और वो फॉर्म लॉगिन के लिए भी यूज कर सकते हैं, साइन अप के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और फॉर्म बना लेता हूँ, मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ, फोल्डर, इस फोल्डर को नाम देता हूँ अकाउंट, और अकाउंट के अंदर मैं एक व्यू बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ लॉगिन व्यू। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन। जैसे आपने पहले इसको, अब हमारे जितने भी पेज बन रहे हैं वो सारे के सारे चाइल्ड पेज बन रहे हैं और इनका मास्टर जो है, इनका जो पेरेंट है वो मास्टर लेआउट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें अपने सेक्शन पार्ट में हम अपनी जो भी हमने डिज़ाइन डाला है हम यहाँ पॉपुलेट करते हैं। आप गूगल पे जाएं और लिखें बूटस्ट्रैप 5 फॉर्म्स, वहाँ से हम फॉर्म कॉपी भी कर सकते हैं सारा, मतलब हमें HTML नहीं लिखनी पड़ेगी, वो हम यहाँ से डंप कर सकते हैं, मैन्युअली भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो बैकएंड का है तो ये हम यहाँ से पॉपुलेट भी कर सकते हैं। सर्च कर लेता हूँ मैं फॉर्म्स, तो ये हमें एक बना बनाया फॉर्म मिल गया, हम इसी को सेट कर लेंगे। चल रहा, हमें इतना लंबा फॉर्म नहीं चाहिए, इसे ही आ रहा है। ठीक है, ये साइन इन का फॉर्म है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपने सेक्शन पार्ट में पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट पेस्ट इट। अब होगा क्या, मैं चाहता हूँ जब यूजर जो है वो आए और मेन्यू में टाइप करे लॉगिन, तो मैं अपना कंट्रोलर, सॉरी, राउट डिफाइन कर लूँ। उसके लिए राउट का डिफाइन होना जरूरी है, उसके बाद ही हमारा जो है ये व्यू कॉल होगा। सॉरी, मैं फोल्डर्स बंद कर लूँ, वेब डॉट आउट। अब मैं अपना राउट डिफाइन कर लेता हूँ। राउट में मैं कहता हूँ कि जब हमारा व्यू कॉल हो, कौन सा व्यू कॉल हो, जब यूजर टाइप करे लॉग इन, या लॉग इन हम प्रयास करें, तो हमारा कौन सा व्यू कॉल हो, अकाउंट फोल्डर के अंदर जो लॉग इन का व्यू है वो कॉल हो जाए। वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी ऐप के अंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंट। आप डायरेक्ट लॉग इन भी करवा सकते हैं, तब डायरेक्ट लॉग इन भी लिख सकते हैं। तो एरर आ गया, ये कहता कि राउट नॉट फाउंड है EOOUNT अकाउंट। वापस आते हैं, राउट चेक करते हैं,
गेट लॉगिन अकाउंट के अंदर लॉगिन का व्यू पास कर दो। ठीक है, इसको दोबारा चेक करते हैं हमने क्या प्रॉब्लम है इसमें, कहाँ पे हमने मिस किए। राउट गेट, नाउ लेट्स गो टू द व्यू, व्यूज में जाते हैं। व्यूज में मैंने कोई मिस्टेक किया शायद, PwC event account login dot play dot php, no it's okay, account dot login login dot php। तो मैंने लॉगिन नहीं लिखना था, मैंने असल में जो राउट डिफाइन किया वो स्लैश लॉगिन डिफाइन किया, तो इस वजह से मैंने स्लैश लॉगिन जो मेरा राउट था, राउट में मैंने स्लैश लॉगिन डिफाइन किया। इसका मतलब है कि स्लैश लॉगिन जब यूजर टाइप करेगा तो ही वो भी कॉल होगा। कॉपी आ रहा है, ये मेरे मास्टर से आ रहा है आई थिंक, यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो सेट कर लेते हैं कहाँ से पॉपुलेट हो रहा है। कॉपी, वेयर इज द कॉपी, मास्टर लेआउट, मेरा जो मास्टर लेआउट है थिंक कॉपी कहाँ से आ रहा है, सर्च कर लेते हैं। सॉरी, हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम सर्च कर लेते हैं। मेरे इसके अंदर आ रहा है शायद, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, अब मैं अपना इंडेक्स हेडर फुटर इसी में तो कॉल हो रहा है, या मेन्यू में हो रहा होगा या फुटर में, या हमारा इंडेक्स का जो पेज है उसके अंदर कॉल हो रहा है, हम इसको सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो ये मेरा हेडर के पास हो सकता है मुझे लग रहा है। हम अपने जाते हैं व्यू के अंदर, मेरा जो मेन्यू है ये फॉर्म के अंदर हमने पेस्ट कर दिया था गलती से, इसको हम खत्म कर लेते हैं। अच्छा चले, ये हमारा एक सबमिट फॉर्म बन गया, लॉगिन फॉर्म बन गया। इसके हम फर्दर इनहेंस भी कर सकते हैं इसका लेआउट, इसको हम यूज करते हुए लॉगिन भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम ब्लेड रेजर इंजन को यूज करते हुए डिफरेंट अपने टेम्पलेट्स बना सकते हैं, अपना लेआउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इससे ये भी होता है कि इस आर्किटेक्चर से जो हमारा फ्रंट एंड है वो बैक एंड से टोटली सेग्रीगेट रहता है, अलग रहता है। जो जितनी भी हमारी लॉजिक है वो हमने कंट्रोलर में लिख दी, जो भी लॉजिक है डेटा मैनिपुलेशन कंट्रोलर में लिख दी, जस्ट जो हमने डेटा पास किया वो व्यू को किया और व्यू उसको पॉपुलेट करवा देता है। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है जिसमें यूजर को व्यू नज़र आता है वो बिल्कुल अलग रहती है हमारी लॉजिकल लेयर से, कंट्रोलर कह सकते हैं उसको, तो उससे अलग रहती है। इस तरह से हमारा कोड जो है वो सेपरेट रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच।